सदर जलसा मोहतरमा एडमिनिस्ट्रेट साहिबा तमाम असातिज़ का इकराम और मेरे प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ से हर पल याद दिलाएगा। गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, कभी ना कभी तो हमारा नाम नजर आएगा। सबसे पहले मैं स्कूल की मैनेजमेंट और टीचर स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस अलविदाई तकरीब को मुनक्किद किया। अब मैं अपने असातिज़ा से मुखातिब होती हूँ कि जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ हमें तालीम दी और हमारी किरदार साजी की। जिस तरह हर एक उस्ताद ने अपने मज़मून को बड़ी दिलजमी के साथ मुकम्मल किया और हमारे ज़हनों में उतार दिया, काबिले तारीफ है और हम सब इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें राह रास्त से आशना कराया। और इसके साथ साथ ही शानदार और बावकार तरीके से सजाई गई अलविदाई महफिल के लिए तहे दिल से इस इदारे के तमाम मंतज़मीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमें बड़े एहतराम और फख्र के साथ अलविदा कर रहे हैं। बता रहा है चेहरों पे दर्द का आलम, बता रहा है चेहरों पे दर्द का आलम, दिलों में दर्द का एक दरिया बह रहा है। साहिबे दिवाकार तालीम दौरान हमसे दानिशा है गैर दानिशा बेअदबी या गलती सरजद हुई हो तो हम मोहतरम असातिज़ा से माफी चाहते हैं। और मैं अपने जूनियर से मुखातिब होते हुए कहना चाहूँगी कि अगर हमसे कोई कमी बेशी या ज्यादती हुई हो तो हम माजरत खाए और हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा को और ज्यादा बुलंदियों से नवाजे, आमीन। और इस इदारे के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात अपनी तरक्की नसीब करे, आमीन। मुझको खबर नहीं थी आयु मैं कहाँ से माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमान से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ ना थी जरा भी इतने बड़े जहाज से। सदर महफिल आपकी इजाजत से मैं स्कूल की सीनियर क्लास की तालिबा इल्म होने के नाते से अपने जूनियर क्लास के मकसद साथियों को पैगाम देना चाहती हूँ कि हम सब मेहनत लगन और जज्बे के साथ अपनी तालीम को जारी रखेंगे। हम आज के बच्चे आने वाले कल का मेहमान है, आने वाले वक्त में हमें इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। हालत हाजरा को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी कौम की खातिर बड़े अहदों पर फायद होना इंतहाई जरूरी है ताकि हम अपने कौम के नामों की हिफाजत कर सके और एक अजीम जिम्मेदार शहरी बनकर बागैरतमंद कौम के तौर पर फख्र से सर उठा कर जी सके। मेरे प्यारे मकसद साथियों, ये तभी मुमकिन है जब हम बाकायदा स्कूल आएंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, असातिज़ा इकराम का अदब करेंगे और माँ बाप का हुक्म मानेंगे। और आखिर में इन अशआर पर अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगी। घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिदाए दोस्ता को बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगा कर हाजिरी छुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बहरा पहले भी गुजरा है, यही लम्हा दिलों पर बहरा पहले भी गुजरा है, मगर वक्त जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कई जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज ना कह देना, कई जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज ना कह देना, तकाजा है मस्जिद का संभलना लाजमी ठहरा, घड़ी अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, बिछड़ना लाजमी ठहरा। खुदा हाफिज।